सपने और हकीकत में बहुत बड़ा गैप होता है। जब सपने हकीकत में लाने की कोशिश करते हैं तब बहुत बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। जब हम उस सपने को हकीकत में लाते हैं तब उसकी कीमत सिर्फ सपने देखने वाला ही जानता है। नमस्कार दोस्तों, फिल्मी दोस्ताना में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम राम सिंह चार्ली मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। सबसे ज़रूरी बात, इस मूवी को आप सोनी लिव पर देख सकते हो। लगभग 100 मिनट की मूवी है। सर्कस की एक टीम जो अपने हुनर से कई सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते हैं, लेकिन क्या करें, एक तरफ बढ़ती टेक्नोलॉजी की रेस में सर्कस देखने जाने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन कम होती है, क्योंकि घर बैठे ही एक क्लिक पर आप सब कुछ देख सकते हो, तो फिर कोई भी अपना काम लॉस में क्यों चलाएगा। इसी वजह से सर्कस बंद किया जाता है और सब अपने काम से हाथ धो बैठते हैं और जीने के लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने अपने हिसाब से जीने लगते हैं। मूवी में एक मज़ेदार कैरेक्टर है राम सिंह चार्ली और उन्हीं पर पूरी मूवी बेस्ड है। राम सिंह चार्ली के कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं कि खुद का अस्तित्व ही भूल जाते हैं। उनके साथ तो अजीब ही होता है, खुद किस तरह से रिक्शा वाले बन जाते हैं एक मज़ेदार किस्सा है। इससे पहले उन्हें शाहजहान मिलते हैं। नहीं भाई साहब, ये ताजमहल वाले शाहजहान नहीं है, ये अलग शाहजहान है और वो उन्हें बहुत सारी मदद करते हैं। राम सिंह चार्ली अपने टैलेंट का सहारा लेकर कुछ करने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है, एक जज्बा और दूसरा होता है पैसा। राम सिंह के पास तो जज्बा तो बहुत है लेकिन पैसों की कमी है, लेकिन किसी तरह से पैसे इधर उधर से मैनेज हो जाते हैं। फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है शॉर्टकट की। नहीं नहीं, हम जो यूज करते हैं वो वाला शॉर्टकट नहीं, मूवी में इन दोनों का नाम शॉर्टकट है और इसमें से कट के साथ एक हादसा हो जाता है और उसी हादसे में सारा पैसा चला जाता है। कुछ इस टाइप की मज़ेदार कहानी है। राम सिंह का रोल प्ले किया है कुमुद मिश्रा ने और उनकी पत्नी बनी है दिव्या दत्ता, जो हमेशा अपने राम सिंह को चार्ली की याद दिलाती है, खुद के टैलेंट को पहचानने में मदद करती है। अब देखना यह है कि राम सिंह अपना चार्ली और सर्कस दोनों को एक साथ लाएगा या फिर नहीं, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी से भी इन सवालों के लिए मत देखना, तो उनके एक्टिंग परफॉर्मेंस और उनके जज्बातों को समझने के लिए देखो। लेकिन एक दिक्कत तो मुझे भी आ गई है, जब राम सिंह सपना देखने लगता है अचानक से कब मूवी रियलिटी में स्टार्ट होती है पता भी नहीं चलता। अगर आपको कुछ समझ आ जाए तो कमेंट में ज़रूर बता देना, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मतलब एंड में पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं था, मतलब वो सपना ही नहीं था। मूवी के बारे में मेरा फाइनल कंक्लूजन यह है कि एक बहुत अच्छी तरीके से ये दिखाने की कोशिश की गई है, कोई अपने टैलेंट से रोजी रोटी कमाता है तभी अचानक से उनके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करेगा, उनके हालात क्या होंगे। सिर्फ 1.5 घंटे की मूवी है लेकिन आपको बहुत कुछ सिखाएंगी, मोटिवेट करेगी। मूवी को फैमिली के साथ ज़रूर देखना। इस वीडियो को आप मूवी देखने के बाद अगर देख रहे हो तो आपको मूवी कैसी लगी एक कमेंट में ज़रूर बता देना। बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।